देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तौर तरीकों से सियासी वर्चस्व बढ़ाने में जुटी हैं। धर्म, जाति, वर्ग पर आधारित राजनीति के सहारे पार्टियां चुनावी जीत के अलग अलग दावे कर रही हैं। जहां एक ओर सत्ताधारी भाजपा देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे और योगी मोदी सरकारों के काम को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के बैनर तले दूसरे दल महंगाई, बेरोजगारी और नाकामियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। इस सब के बीच अब मुस्लिमों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी है, जिसके बाद सियासी गोटियां खेल रहे विपक्षी दलों की बेचैनियां बढ़ गई हैं। हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुसलमानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मुस्लिमों के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि मुसलमान चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध और मुखालफत ना करें। इधर बरेली में आयोजित एक प्रोग्राम में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेयरमैन ने भी मंच से भाजपा सांसद को जिताने की अपील करते हुए मोदी के समर्थन में कसीदे पढ़े, जिसके बाद बरेली में समाजवादी पार्टी के स्थानीय संगठन की बेचैनियां भी बढ़ गई हैं। बरेली के आंवला में रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प शिलान्यास के मौके पर आंवला चेयरमैन आबिद अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप को दोबारा जिताने की अपील भी की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन और बरेली के आंवला के समाजवादी पार्टी के चेयरमैन आबिद अली ने पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ की सरजमीन से भारत के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं और मशवरा देना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध न करें, इसलिए कि जो पूरे मुल्क की सूरत हाल है उस सूरत हाल के पेश नज़र जो सियासी मंजरनामा है, इस सियासी मंजरनामे के पेश नज़र मैं आज ऐलान कर रहा हूं और मैं भारत के मुसलमानों को मशवरा दे रहा हूं कि वो लोकसभा के इलेक्शन में शिद्दत के साथ नरेंद्र मोदी जी की मुखालफत न करें, विरोध न करें। इसलिए सेकुलर पार्टियां ने जो है ठेका लिया है और वो ठेका मुसलमानों के कंधे पर डाल दिया है कि बीजेपी हराओ का अभियान से मुसलमान ही चलाता है और मुसलमान का ही है काम चलाना, तो इस ठेकेदारी को ख़त्म करना है और जो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। मुसलमान इससे बरी जिम्मा होता है और लोकसभा के चुनाव में मुसलमान विरोध नहीं करेगा। पाप बधाई के पात्र हैं पूरे औला की जनता की और हमारी दुआएं आशीर्वाद है कि आप दोबारा सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचो और हमारे दोबारा यानी अभी जो चुनाव आ रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूं। फिर तीसरी बार कह देता हूं, तीसरी बार सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंचे और इसी तरह से औला की जनता का बात लोकसभा में उठाते रहे, औला की क्षेत्र को सौगातें प्रदान करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश के कार्यों के साथ साथ हमारे औला का रेलवे स्टेशन की कायापलट करने का काम किया है। इतना बड़ा पैसा दिया है, इतना बड़ा कार्य हुआ है कि हम बचपन से सोचते चले आते थे लेकिन ये हमारे जहन में कभी नहीं आया था, दिमाग में नहीं आया था।